मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक नए सफ़र के साथ अभी हाईवे के बीच में हूँ। घर से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि 6:30 बजे बहुत अंधेरा था और अंधेरे में ब्लॉग करना मेरे को सही नहीं लगा, तो सोचा कि आपको आमने सामने रह के बात करें। और हम लोग आज निकल चुके हैं एक नई राइड की तरफ जो कि होने वाला है मुंबई टू चिपलून आज, और बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं। फर्स्ट विंटर राइड है। वही से 270 किलोमीटर्स होगा, देखते और बात करते रास्ते में, मज़ा आएगा आज। तो वेलकम बैक टू द रोड गाइस, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये मेरा पहला विंटर राइड है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट किया था अपना स्पीति राइड, दैट इज़ इन अक्टूबर सितंबर में कंप्लीट किया था। उसके बाद 2 महीने के बाद आज राइड कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है ना कि टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम मैचेस नहीं हो रहा है, और वर्कलोड इतना था अभी फ़िलहाल, तो इसके लिए वीडियोस नहीं आ रहे थे। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और सेकंड थिंग, वर्कलोड इतना था कि जब भी ऑफ मिलता था मैं आराम करता था, क्योंकि जो भी होटल इंडस्ट्री में काम करते हो उनको पता होगा कि वर्कलोड कितना होता है, कितने घंटे की काम करनी पड़ती है। पर नोवेयर ये रीज़न नहीं था, बेसिकली मुझे भी कुछ एडजस्ट करके करना चाहिए था। मैं देखो घर बैठे बैठे तो वीडियो बना नहीं सकता कुछ, तो समथिंग और दी अदर टूरिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे चैनल पर टूरिंग के सिवा मैं कौन सी वीडियो नहीं डाल सकता रिलेटेड टू बाइक, क्योंकि बाइक नहीं अपनी स्कूटर है, सॉरी, तो रिलेटेड टू स्कूटर में दूसरे वीडियो कुछ डाल नहीं सकता, और अपना चैनल तो टूरिंग के ऊपर ही चलता है, तो टूरिंग की वीडियो डालना मैं प्रेफर ज़्यादा समझूंगा। रहो अभी ऑलमोस्ट हम लोग ने कवर की है समवेयर 72 किलोमीटर्स, 1.5 घंटा हम लोग ने बाइक चलाई। 72 किलोमीटर गुड इनफ फॉर 1.5 घंटा, क्योंकि 100 किलोमीटर करने के लिए हमें 2 घंटे लगते हैं। तो हम लोग टाइम के हिसाब से 6:30 बजे निकला था मैं मुलुंड से, मेरे घर से, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पेन आया है, पेन से हम लोग निकल रहे हैं। ये है मुंबई ओल्ड गोवा हाईवे। मैं जा रहा हूँ आज चिपलून की तरफ, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए। ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स मैं गाँव गया नहीं था, और मुझे पर्सनल काम भी है गाँव में, तो क्यों ना इस छुट्टी का यूटिलाइज़ किया जाए। ज़्यादा लंबा भी नहीं है तो 2 दिन अपना हो जाएगा आके जाके। और यहाँ पे ठंडी लगते हुए पहली ठंडी राइड है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। जब आप बाइक पे बैठते हो ना तो हवा लग के और ठंडी लगती है। बेसिकली ये जो रोड देख रहे हो ये पेन का नया हाईवे बना है, पेन से होकर है, और ये जो हाईवे डायरेक्टली बाहर निकलता है हाईवे की तरह। सूरज देवता आ चुके हैं यहाँ पे, टाइम हो रहा है 8, हमने पेन छोड़ दिया है, और यहाँ से ऑलमोस्ट महाड़ है अराउंड 150 किलोमीटर तो होना चाहिए, 150 के आसपास होना चाहिए, 150 नहीं होगा उससे कम होगा, लेट्स सी। रोड काफ़ी अच्छा है, थोड़े थोड़े बीच बीच में पैचेस गंदे हैं क्योंकि ये नया रोड बन चुका है, तो अब पता नहीं कितने साल हुए ये रोड को बनाए हुए। पर सीन देखो ना यार, विंटर की पहली राइड और ऐसा सीन देखने मिलेगा तो क्या यार, गजब गजब भाई गजब, सही में। मतलब आप फोटो फ्रेम देखते हो ना सेम वैसे लग रहा है, सन उधर है, पहाड़ आजू बाजू पहाड़ है, और क्या चाहिए यार। हम लोग ने अभी मंगाया है इंडियन बर्गर, दैट इज़ वड़ा पाव। बहुत दिनों से इच्छा थी वड़ा पाव खाने की, वैसे मैं खाता रहता हूँ वड़ा पाव, वैसे बाहर जब राइड पे जाते तो वड़ा पाव खाने की बोलते ना वो दिल से खाते हैं हम लोग जब हम बाहर जाते हैं कहीं तो। और वड़ा पाव मंगाया है आज, उसके बाद चाय महीने खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ। वड़ा पाव खाने के बाद चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे मैं कॉफ़ी पीता हूँ, पर आज क्या है हाईवे अपना, तो हाईवे की तरह जीना बहुत ज़रूरी है। कॉफ़ी सब जगह मिलती नहीं है तो चाय से काम चलाना पड़ रहा है। मिलते हैं आपको रोड पे। और अभी हम लोग ने किया है ऑलमोस्ट 116 किलोमीटर समवेयर, और नागुटने के आगे आया वो भी, और यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पकड़ लो आगे, मे बी 200 or 250 के अंदर ही होगा। रात को जब ये मैं प्लानिंग कर रहा था जाने का,
तो एक्चुअली मेरा 50-50 था, जाना था नहीं जाना था पता नहीं, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी कंटिन्यूसली दो दिन। तो फिर एट लास्ट मिल गई ऐसे तैसे कैसे छुट्टी। तो मतलब प्लान करता हूँ बहुत दिन से, चैनल पे वीडियोस भी नहीं आए, तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, निकलते हैं। और निकलने का प्लान था 4 बजे सुबह, पर बोलते ना थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट सो के कब 5:30 बज गए मुझे ही नहीं समझा। 5:30 बजे उठा हूँ फ्रेश होके, फिर बाद में 6:30 बजे मैंने मुलुंड छोड़ा। मतलब इतना मैं ज़्यादा थक गया था कल। कोई नहीं, चलो होते रहता है। वैसे भी अभी मैंने ऑलमोस्ट 116 किलोमीटर्स कवर किए, मुझे पता भी नहीं चला यार। तो हम लोग अभी इंदापुर पहुँचे, और आगे जो रोड दिख रहा राइट में आपको दिखाता हूँ मैं, वहाँ से आप दापोली जा सकते हो, श्रीवर्धन जा सकते हो, और भी बहुत सारे जगह, मनमाड़, ये सब जगह जा सकते हो। देखो मतलब यहाँ से या आगे से, दोनों में से एक जगह, एक बार आगे भी दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ, क्या रोड आ गए भाई। इंदापुर हम लोग ने क्रॉस किया है अभी, और वहाँ से जो मस्के वाले रोड आए ना बॉस, दिल जीत लिया। अभी गर्मी आने दे, ठंडी आने दे, कुछ भी आने दे भाई, चलाने का मज़ा ही कुछ और है। सिंपल बात है गाइस, अगर आपको रोड्स अच्छे मिलेंगे तो आप कितना भी गर्मी लगने दो, कितना भी ठंडी लगने दो, आपको फ़र्क नहीं गिरेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन रोड पे ज़्यादा होता है जब आप कहीं और जाते हो। जब आप महाड़ के अंदर आओगे तो ये ऐसा अपने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू दिखेगा। अभी यहाँ पे पूछना पड़ेगा विनेरे कहाँ है, झूल जा पड़ा है पूरा यार यहाँ पे। सही में मैं आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कहाँ से जाना है, इनको पूछता हूँ कहाँ है। दादा, ओ दादा, विनेरे जाए सर। ओके, थैंक यू। चलो मिल गया रोड। एक बार आप यहाँ पे आओगे तो आप पूछोगे विनेरे कहाँ है, तो आपको बता देंगे रोड। बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, एक्चुअली 1 या 1.5 साल के बाद आ रहा हूँ। सो मुझे, और मैं पहली बार आया था लास्ट टाइम जब मेरा महाराष्ट्र सीरीज चल रहा था, तो उसके बाद मैं आज आ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ रोड है यहाँ पे। मैं कशेड़ी घाट भी ले सकता था, मुझे स्किप करना था, क्योंकि ये रोड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्लीन है, या फिर ट्रैफिक कम है। कशेड़ी घाट में मुझे ट्रक्स मिलते थे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसके लिए मुझे ये रोड लेना पड़ा, और मुझे ये रोड के बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत, इसके लिए मैं ये रोड ले रहा हूँ। अगर आप कहीं से भी, मतलब आप कहीं लॉकडाउन में फंस गए होगे, तो ये रोड ले सकते हो। ये रोड पे चेकिंग कम होती है बेसिकली, क्योंकि ये गांव के अंदर से जाता है और जल्दी पहुंचता है। वो कशेड़ी के से पहाड़ घाट, बहुत बड़ा घाट है बेसिकली, इसके लिए वहाँ से 1 घंटा तो मिनिमम लगता है खेड़ पहुंचने के लिए। यहाँ से तुम 45 मिनट्स या आधे घंटे में भी पहुंच सकते हो, अगर 60-70 के स्पीड मेंटेन करोगे तो। ये जो पत्थर दिख रहा है आपको रोड के बीच में, इसका कुछ हिस्ट्री है, इवन आई डोंट नो प्रॉपर्ली। मैं अभी गाँव जाऊँगा ना, मैं मौसी को पूछूंगा कि इसका जो स्टोरी है क्या है। एक कुछ रीज़न की वजह से यहाँ रुका था ऐसा, जहाँ तक मुझे पता है, अभी पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ से फटक से आया तो मेरे को पता नहीं चला, तो अभी मैं फिर से कैमरा ऑन कर दिया। पक्का पूछूंगा। यहाँ से खेड़ है अभी 16 किलोमीटर, और वहाँ से चिपलून में भी 30 किलोमीटर्स होगा। देखो ये जो रोड है वो सीधा जाता है महाड़ के अंदर से, 38 किलोमीटर से अंदर। मेरे ख्याल से 40 मिनट्स हो गए रहेंगे हम लोग यहाँ पे पहुँचे। मैंने पनवेल से भरा था कुछ 4 लीटर्स का, उसके बाद अभी खेड़ के 9 किलोमीटर पहले फिर से फुल कर रहा हूँ, पनाड़े फिर से फुल कर रहा हूँ। सालों में ये जो रोड है वो काफ़ी ऐसी बड़ी हो जाएगी, मतलब 2 लेन रोड हो जाएगी। यहाँ पे 2 लेन और वहाँ पे 2 लेन, सो 4 लेन रोड हो जाएगी टोटल। और जो हम लोग गोवा जाते हैं,
कोल्हापुर साइड से वो हाईवे से। रीज़न यही था कि ये रोड गंदा रहता है, मतलब बहुत ही गंदा रहता है रोड, पर अभी काफ़ी हद तक बन चुका है, अभी 50% बोल सकते हैं अब हो गया करके ये रोड। तो आप कुछ सालों में मे भी गोवा जाने का मज़ा ये रोड से ले सकते हो, क्योंकि गोवा जाने में मज़ा यही रोड से है कि वो रोड पे कुछ नहीं है, प्लेन हाईवे है और आजू बाजू कुछ नहीं। यहाँ पे कैसा ग्रीनरी है, पहाड़ है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स है जो आपको देख के मज़ा आएगा आपको जाने के लिए यहाँ से गोवा। तो अभी फ़िलहाल मैं परशुराम घाट में रुका था और ये सीनरी देख के सही में बहुत मज़ा आया। देखो तो यहाँ से चिपलून है अराउंड 9 किलोमीटर्स, जो कि मुझे जाना है मेरे बुआ के घर पे। मेरे गांव नहीं जा रहा हूँ, शाम को मैं मेरे गांव जाऊँगा, क्योंकि मुझे 3-4 जगह जाना है आज, 3-4 जगह 2 दिन में कवर करने हैं। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, अभी कुछ मैं 10-15 मिनट हो गया बैठा था, एक माजा का बॉटल लिया पिया, थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि 10 बजे ब्रेक लिया था, उसके बाद अभी 1 बज चुका है, 1 बज के हो गया एक्चुअली, 1:30 बजने को आया, 10-15 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा, फिर घर पे बैठ के बात करते हैं। ओके, तो जिसने मेरा महाराष्ट्र सीरीज़ देखा नहीं होगा, लास्ट का पार्ट जो है रत्नागिरी से मुंबई वाला, उसमें मैंने बताया कि मेरी जो बुआ है, एक्चुअली हम लोग बुआ के पास जाने वाले नहीं थे पर रास्ते में था, इसके लिए हम लोग बुआ के पास गए और उसके बाद खाना नहीं खाया, ऐसे ही निकल गए। तो ये बार सोचा मैं जाऊँ बातचीत करूँ थोड़ा बहुत और खाना वीना खा के फिर दूसरे इधर जाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे बहुत जगह जाना है, इसके लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अभी यहाँ से मेरे को आते वक्त फिर यही रूट लेना है और मेरे गांव जाना है, तो होप फॉर द बेस्ट। मज़ा आ रहा है क्योंकि 2 महीने के बाद राइड कर रहा हूँ ना, सीरियसली ऐसा लग रहा है एक पिंजरे में कैद था और 2 महीने के बाद मुझे आज़ाद किया है। रियली मैं इतना मतलब इतना सोचता था ना कि यार राइड पे कैसे जाओ, तो चलो इसी बहाने मुझे राइड भी करने मिला और मेरा काम जो है वो भी पूरा हो जाएगा। गाइस फाइनली मैं बुआ के घर पे पहुंच चुका हूँ, अभी यहाँ से निकलना है दूसरी जगह, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल को।